हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको आईडीई ओपन करना होगा। मैं यहाँ पे आईडीई को ओपन करता हूँ पाइथन के, यहाँ मैं टाइप करता हूँ पाइथन, तो यहाँ देखिए आईडीई आ चुका है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एक्स। एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डबल नोटेड कोट्स में, आप सिंगल नोटेड कोट्स में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ सिंगल नोटेड कोट्स लगाइए, डबल नोटेड कोट्स लगाइए। यहाँ पे लिखता हूँ हेलो दिस इज, सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, एक नहीं होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। हेलो दिस इज कंप्यूटर एंड एक्सेल, कर देंगे इनवर्टेड कॉमा को क्लोज, और सॉरी इनवर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, सिंगल इनवर्टेड कॉमा को, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहां पे इस तरह का आएगा देखने में, ठीक है। अब इस वाले जो हमने बनाया एक्स, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अब चलाना है। तो इस फंक्शन को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर देखिए जो हमने लिखा था वो प्रिंट होकर आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए ये पहला अक्षर हमने यहाँ कैपिटल दिया हुआ है। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं वाई, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू सिंगल नोटेड कोट्स में देते हैं हेलो। अब इसमें देखिए मैं पूरा का पूरा सेंटेंस जो है स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, हेलो दिस इज कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस करने के बाद अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे वाई की वैल्यू को आपको प्रिंट करवाना है। तो यहां वाई लिख दीजिए, जैसे का तैसे ये प्रिंट होकर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपने लिखा है वैसे ये प्रिंट होकर आ रहा है। आप चाहे तो सिंगल नोटेड कॉमा हटा भी सकते हैं, ठीक है, और उसके जगह डबल नोटेड कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे के तैसे ये प्रिंट होकर आ रहा है। हम चाहते हैं कि पहला अक्षर अपने आप कैपिटल हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहां पर एक फंक्शन लगाना होगा। वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन का नाम है कैपिटलाइज, ठीक है, वो फंक्शन का क्या नाम है, कैपिटलाइज। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं कैपिटलाइज, ठीक है, क्या लिखना है, कैपिटलाइज। अच्छा, कैपिटलाइज के पहले हमारे जो बनाया हमने वेरिएबल उसका क्या नाम है y, तो यहां पे लिखता हूं y डॉट कैपिटलाइज, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पे लगाना है ब्रैकेट, ठीक है, यहां पे आप लगाइए ब्रैकेट और प्रेस कीजिए एंटर। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी यहां पे ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो जैसे एंटर प्रेस किया हमने, यहां पे देखिए पहला अक्षर अपने आप कैपिटल हो गया, जबकि हमने क्या लिखा था, पहला अक्षर स्मॉल लिखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटलाइज फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं, एक और वेरिएबल मैं बनाता हूं। जैसे सपोज कीजिए बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें लिखता हूं दिस इज